हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास टाटा की ये देखिए अल्ट्रोस गाड़ी है। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा फ्रेंड्स कि इसका स्टार्टिंग ट्रबल था कि चालू नहीं हो रहा था गाड़ी। फ्रेंड्स कस्टमर के घर पे ब्रेकडाउन हुई, मतलब कभी कभी चालू हो रहा है, कभी कभी चालू नहीं हो रहा है। तो कस्टमर ने वो ट्राई किया, मतलब उन्होंने भी चेक किया कि किधर लेके जाके रख दिया तो चालू नहीं होता, फिर बहुत देर के बाद ऑटोमेटिक चालू होता है। तो कस्टमर ने उधर इधर बाहर चेक किया तो पता चल गया कि इसका वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तो कस्टमर ने शोरूम पे गाड़ी लेके आया, क्योंकि चालू होती थी बीच बीच में लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग ट्रबल दे रही थी। तो जब मैंने चेक किया तो इसका वायरिंग जल गया था। तो मैं सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम था लेकिन काम बहुत बड़ा हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, बैटरी डिस्चार्ज प्लस वायरिंग व्हीकल स्टार्टिंग प्रॉब्लम, और इधर देखिए माइनस व प्लस व्हीकल स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बैटरी चेक टर्मिनल बर्न। इसका क्या हो गया जो बैटरी के ऊपर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका हमने बहुत कुछ खोल दिया, तो मैं खोलने का तो वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये देखिए हमने बहुत कुछ खोल दिया है, सब वायरिंग निकल गया। ये यहाँ से ये मेन वायरिंग है इंजन का, क्योंकि इंजन का पूरा वायरिंग हमने निकल दिया है। आपको नीचे भी दिखा दूँ, ये देखिए नीचे कितना लटक रहा है वायरिंग। ये पूरा वायरिंग निकल गया, थोड़ा सा रह गया निकलने का। बाकी ये वायरिंग का पार्ट नंबर भी आपको दिखाऊंगा, इसका प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या प्रॉब्लम हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्रॉब्लम, फ्लैश लगाता हूँ, ये इसका प्रॉब्लम हो गया। ये देखिए ये वायर का प्रॉब्लम हो गया, ये वायर इधर से जल गया फ्रेंड्स। ये देखिए ये इस फ्यूज में आता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देखेंगे तो ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसका अंदर ये फ्यूज जो आता है यही प्लेट उसका जल गई ले, क्योंकि शायद ये गर्म हो गया यहाँ से स्टार्टर मारने, स्टार्टर का वायरिंग एक्चुअली ये स्टार्टर को जाता है, तो इसके वजह से ये जल गया फ्रेंड्स। और ये पूरा इसके वजह से पूरा नया डालना पड़ रहा है। ये देखिए इसका पार्ट नंबर है, ये वायरिंग का इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूँगा। और ये देखिए हमारे पास नया वायरिंग भी आया है फ्रेंड्स, ये इसका वायरिंग है। ये देखिए आप देख सकते हैं वायरिंग हार्नेस CMS, और 11 है इसका प्राइस 11,554। और उसमें और एक छोटा सा वायरिंग किट है, दो वायरिंग किट है, ये है इसका 4,000 वाला। तो ये 11,000, ये 4,000 टोटल हो गया, 15,000 तक इसका वायरिंग हो रहा है फ्रेंड्स। इसका पूरा वो ये एक्चुअली वारंटी में हो गया है, क्योंकि इसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि एक्सेसरीज इसमें कुछ नहीं, बाहर से फिटिंग कुछ नहीं है। तो ये डायरेक्ट यहाँ फ्यूज से गर्म हो गया, पिघल गया ये, तो ये वारंटी में हो रहा है, तो वारंटी में रिप्लेस हो रहा है। तो आप लोग भी बताना कौन सा गाड़ी का आपने वायरिंग चेंज किया, चेक किया है, बताना मेरे को फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका वायरिंग है, ये देखिए, सॉरी मैंने आपको बोल दिया इसका फ्यूज़ बॉक्स असेंबली बोल के, इसका फ्यूज़ बॉक्स चेंज नहीं होएगा, वो दूसरी गाड़ी का है एक्चुअली। ये सिर्फ वायरिंग, ये देखिए यहाँ से लूम गया है ये नीचे का, क्योंकि पूरा फ्यूज़ बॉक्स के साथ बोलेंगे तो आपको 25,000 तक। मैं आपको ये देखिए नया वाला बता देता हूँ, ये इसका पूरा वायरिंग है, और ये एक मेन सॉकेट है। ये देखिए मैंने नीचे निकाला इसको, ये किट है, तो ज़्यादा बड़ी वायरिंग नहीं, इसके लिए 11,000 का प्राइस है। मैंने एक दूसरा वायरिंग भी, और एक गाड़ी का मैं वायरिंग कर रहा हूँ टैगो का। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला, जो कि हमारा वायर जल गया था एक वायर, तो ये इसका आपको बता दिया कि इसका भी ये पार्ट नंबर है, और ये भी 4,000 रुपये तक आ रहा है। ये देखिए हमारा ये फ्यूज जल गया था, ये भी पूरा नया वायरिंग हम लोग डालने वाले अभी निकलने का बाकी है फ्रेंड्स। आप लोग को अभी कैसे वायरिंग निकलने का, तो ये लोग को मुश्किल है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 1-2 घंटे की। तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर का ये दो वायरिंग का किट, अगर आप लोग पास अल्ट्रोस करते हैं, अल्ट्रोस है टैगो है समझो, तो ये गाड़ी का सेम है कनेक्शन। ये वायरिंग आपको प्राइस में बता दिया 4,000 का पार्ट नंबर के साथ, टर्मिनल वाला आता है वो 4,000 को, और ये दूसरी जो बड़ी लूम है इंजन की वो आता है 11,000 तक, 11,500 तक आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग चेक करना, फ्रेंड्स आप लोग बताना ये जानकारी आपको कैसे लगी, यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। मेरे पास और भी 4-5 गाड़ी है जिनका वीडियो बनाना है, लेकिन काम इतना है फ्रेंड्स कि आगे पीछे मिसमैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये डीजल गाड़ी थी अल्ट्रोस, तो इसका हम लोग अभी फिटिंग चालू की है। तो अभी और भी दो गाड़ी है, एक नेक्सॉन है, एक टैगो है जो पानी में गए है,
और पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टायर के पास आया है तो फ्लोर पूरा गिल्ला हो गया है, तो उसका भी वीडियो बनाने का था लेकिन शायद आप लोग बताना वो वीडियो लाना है कि नहीं है, क्योंकि मैं बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने पानी में गया होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था टैगो के ऊपर, तो ये भी सेम एक नेक्सॉन एक टैगो है और वो भी BS6 है, तो वो भी पानी में गया, उनका चल रहा है अभी, आधा काम हो गया है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नीचे कमेंट करना फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग जो मेरे को कमेंट कर रहे, थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि मेरे वीडियो के वजह से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आप लोग को कुछ सीखने को मिला, आप लोगों को बहुत हेल्प हुआ मेरे वीडियो से, वो लोगों ने मेरे को रिप्लाई दिया है, तो थैंक यू सो मच बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग के यूज़फुल के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ, और आप लोग मदद हो, आप सीख पाए, आपको समझ पाए, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक यू, आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।